अजीतमल तहसील क्षेत्र के ग्राम बहुरुनी में स्थित विश्नोई पौधशाला के संस्थापक भगवत स्वरूप विश्नोई की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा, पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। पूर्व पर्यावरणविद भगवत स्वरूप विश्नोई को याद करते हुए उनके द्वारा पर्यावरण पर किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि विश्नोई पर्यावरण संरक्षण पर लगातार काम करते रहे। उन्होंने जनपद बांध और जल सफारी के लिए भी विशेष कोशिशें करते हुए शासन को पत्र लिखा था। हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका प्रयास सार्थक दिखाई होता दे रहा है, जिसके चलते सरकार द्वारा पंचनद पर शीघ्र ही प्रस्तावित कार्य योजना धरातल पर दिखाई देगी, जो किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है। गोष्ठी में सदर विधायक रमेश दिवाकर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जनपद में पर्यावरण संरक्षण को लेकर होने वाले कार्यक्रमों में विश्नोई का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो स्मरणीय है। गोष्ठी में कैलाश त्रिपाठी, मनोज दुबे, सत्यभान मिश्रा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर सुबोध दीक्षित, राजन चौधरी, प्रेम शंकर दुबे, प्रधानाचार्य श्री कृष्ण उपाध्याय सहित अध्यक्षता कर रहे रामबाबू यादव ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि अजय अंजाम ने किया। कार्यक्रम के शुरुआत में कार्यक्रम संयोजक दीपक विश्नोई कबू तिवारी ने अतिथियों का फूलमालाओं से स्वागत किया। तत्पश्चात दिवंगत पर्यावरणविद भगवत स्वरूप विश्नोई की प्रतिमा का अनावरण कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने उनके परिजनों की मौजूदगी में किया। गोष्ठी के दौरान नीरज दुबे, पुनीत दीक्षित, नवीन गुप्ता, राघव मिश्रा, मुनीश त्रिपाठी, शिव प्रकाश दुबे, सुधीर गुप्ता, शशि शेखर मिश्रा, दीपक दुबे मौजूद रहे। इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जीवन का सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना ही है, और मृत्यु के बाद जो अपनी यादगार छोड़ जाते हैं उनकी यादगार में पुण्यतिथि का एक अवसर आता है। और मैं इस पर विश्वास भी करता हूं कि ऐसे लोग कौन से हैं जिनकी यादगार में पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुरुष से महापुरुष हो जाने पर, सामान्य आयामी से स्वामी हो जाने पर और सामान्य न्यासी से सन्यासी हो जाने पर इस प्रकार की यादगार जो मनाई जाती है वो कभी अपनी यशकाया से हमेशा अमर रहते हैं। उनके नाम के आगे स्वर्गीय शब्द लिखना वर्जित होता है। क्या बात है। तो ये प्रेरणा देते थे, वास्तव में उनको हम लोग पर्यावरणविद कहते थे। पर्यावरण के संबंध में उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। एक बार मेरा आना इस बगिया में हुआ, मैंने उनसे टाइम लिया, हमने कि मैं बगिया में आना चाहता हूं। तो मैं जब यहां आया तो बगिया का भ्रमण कराया और यहीं इसी स्थान पर उन्होंने बैठने का व्यवस्था की थी और एक पेड़ से पत्ती लाए और उस पत्ती को साफ करके एक प्लेट में रख के लाए, तो उस पत्ती को खाकर मिठाई जैसा उसमें स्वाद था। यहां मिष्ठान से कभी वो स्वागत नहीं करती थी, वो पत्ती में इतना मिष्ठान का स्वाद था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। कई लोगों ने उसका स्वाद लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।